विजयदशमी के अवसर पर पूरे देश में उत्साह के साथ त्योहार मनाया जा रहा है और शस्त्र पूजा की प्राचीन परंपरा भी निभाई जा रही है। यह परंपरा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है, जब योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे। विजयदशमी के अवसर पर पूरे देश में उत्साह के साथ त्योहार मनाया जा रहा है और शस्त्र पूजा की प्राचीन परंपरा भी निभाई जा रही है। यह परंपरा रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है, जब योद्धा अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे। इस अवसर पर जगह जगह शस्त्र पूजन हुआ। पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के निवास पर भी शस्त्र पूजन किया गया और विजयदशमी का उत्सव मनाया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा, राम जी की विजय और भारत का विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होना, इस दशहरे पर मैं भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भारत विश्व विजयी हो, विश्व गुरु हो और अच्छाई पर जीत, अच्छाई की जीत हुई जो बुराई पर, ऐसे ही भारत भी सभी देश का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व विजयी बने। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पुत्र ने कहा कि अगर देश की बात कहीं पर भी आती है तो किसी भी बड़े कदम को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। विजयदशमी के अवसर पर भारत की सांस्कृतिक परंपराओं और सैन्य दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया। आदिकाल से दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत की थी। मैं सभी देशवासियों से, हिंदुओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अपनी पुरानी जो चली आ रही व्यवस्थाएं हैं उनको ना भूलें। जो हमारे त्यौहार हैं उन त्यौहारों का महत्व हम लोगों को सबको पता चलना चाहिए। आज की नई पीढ़ी भूलती जा रही है शस्त्रों के बारे में, शास्त्रों के बारे में, अश्वों के बारे में। मैं ये प्रार्थना करता हूँ सभी देशवासियों से कि अपनी जो परंपराएँ हैं उन पर बने रहें। आदिकाल से जिस तरह से शस्त्र पूजन होता चला रहा है, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में दशहरा पर्व मनाया जाता है। आज के दिन हिंदू लोग अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, अपने अश्वों की पूजा करते हैं और विश्व विजय की कामना करते हुए हम भारत माता की जय बोलते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों दोनों की पूजा की जाती है। इस परंपरा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि लोहे और लकड़ी से बनी वस्तुओं की पूजा करने के पीछे आभार व्यक्त करने और सम्मान की भावना नियत है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जिसमें हर वस्तु का आदर किया जाता है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।